दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 6:30 बजे से। और अभी मैं नहाऊँगी, फिर पूजा करूँगी, तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर अपने कमरे में, तो अभी नहा लेते हैं फटाफट से, नहा करके फिर पूजा करेंगे। यहाँ भी ऊपर सफाई करनी है। आने के बाद मैंने पूजा भी कर ली है, अब करते हैं रूम की सफाई, उसके बाद चलेंगे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सफाई भी हो चुकी है कमरे की, तो अब फटाफट कपड़े बाहर डाल देती हूँ सुखाने के लिए, जो धोए थे, फिर चलते हैं नीचे। कपड़े डाल दिए मैंने सुखाने, अब चलते हैं नीचे। मौसम भी ख़राब हो रखा है आज, बारिश आने का हो रहा है पर बारिश नहीं आ रही है अभी। ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा और अभी मैं लेने जा रही हूँ किचन गार्डन में भिंडी, तो वहाँ पे सब्जी और की है, तो देख के आते हैं क्या क्या हो रहा है, लेने चलते हैं। भिंडी और की है यहाँ पे ये, और इधर भी सब्जी और की है, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है सब्जी में। तोड़ती हूँ मैं इसको, थोड़ा अच्छे से तोड़ना पड़ता है, खुजली लग जाती है हाथों में। पे भिंडी मिल चुकी है मुझे इतनी, और भी हो रही है, लेकिन अब हाथ में खुजली लग रही है, तोड़ी नहीं जा रही है, तो बाद में शाम को तोड़ेंगे। और इधर लगे हैं करेले, तो इनको भी तोड़ लेते हैं, देखते हैं कितने मिलते हैं इसमें, क्योंकि कल भी तोड़े थे, तो आज कितने मिलते हैं देखते हैं। छोटे छोटे से ही हो रहे हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं। ओह, गिर गया। उसके अंदर चल के देखते हैं कुछ मिलेगा तो। एक तो मिल गया, ये रहा एक, बहुत सारे हैं इधर से दो। तो तीन करेले मुझे यहाँ पे अंदर साइड से मिल गए हैं। और ये हो रहे हैं हमारे वहाँ मक्का, ये देखो मक्का भी होने लगी। और इधर लगी है ये पहाड़ी खीरा, ककड़ी, हाथ नहीं लगाते इसको, ख़राब हो गया तो फिर क्या करेंगे। एक ही हो रही है अभी तो। मिल गई है हमें इतनी सारी सब्जी, इसको ले जाते हैं अंदर, बाकी और देख के आऊँगी, अगर कुछ हो रहा होगा तो फिर लेके आऊँगी, अभी पहले इतना रख के आती हूँ। अभी अमरूद खाने का मन हुआ था, यहाँ से मैंने एक अमरूद तोड़ लिया है, और भी बहुत सारे लगे हैं लेकिन कच्चे हैं अभी। चलिए तो ये मैंने तोड़ लिया है, ये पका था, इसको अब खा लेते हैं। तो ये रहा अमरूद, अब हम इसको खाते हैं। बहुत टेस्टी है ये, बहुत मीठा अमरूद है, रोज पकते हैं, रोज खा लेते हैं हम। यहाँ पे मम्मी लगा रही है माल्टे का पेड़, नहीं काय का पेड़, संतरे का। ये लग गया है यहाँ पे संतरे का पेड़, और अब हम जा रहे हैं उस ओर, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें मिट्टी लानी है गमले के लिए, और फिर हम उसमें फूल लगाएंगे। तो मम्मी और मैंने कल कला गाड़ी दिखाई थी, दो गमले बना के उसके लिए मिट्टी लेने जा रहे हैं। मम्मी ने अभी तीन पेड़ और लगा दिए हैं, अभी एक पेड़ और बचा है, तो इसको देखते हैं कहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ सब केले के पेड़ हैं,
पता नहीं कहाँ ये घास घास में देखा, ये क्या हल्दी हो रही है ना मम्मी, हल्दी में घास निकाल रहा हूँ। पिछले साल का नींबू का पेड़। अब लाते हैं मिट्टी, चलो फिर मिट्टी लेने चलते हैं। यहाँ से निकाल रहे हैं हम गमले के लिए मिट्टी। हम पहुँच गए घर मिट्टी लेके। अब हमने जो ये कलावारी दिखाई थी इसमें भरते हैं मिट्टी। फाइनली सारा काम हो चुका है, उसके बाद अब क्या करा जाए। अब हम खाना बना लेते हैं दिन का। यहाँ पे मैंने दाल बना दी है, तो दाल बन रही है, उसके बाद चावल बनाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ सीधे खाना खाने के बाद। गाइस यहाँ पे अचानक से बारिश हो गई है और कपड़े भीग चुके हैं जो सुखाने डाले थे। मैं खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद मैं उठ करके नीचे आई। नीचे आने के बाद मैंने रात के लिए सब्जी बना दी है। मौसम देखो गाइस, यहाँ पे शाम का 6 बजने वाला है और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो रही है अभी, तो बहुत गर्म भी हो रहा है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल अपने एक नए ब्लॉग के साथ।